उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर SDM थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा SDM ज्योति मौर्या केस में नया अपडेट आया है। बरेली में तैनात SDM ज्योति मौर्या के साथ मिलकर उनके पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप को लेकर होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे के ऊपर चल रही विभागीय जांच अगले हफ्ते पूरी होगी। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद होमगार्ड मुख्यालय की तरफ से मनीष के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। आखिर क्यों हुई जांच रिपोर्ट में देरी? दरअसल जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के तबादले के चलते जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के लिए लेट हो गई। इस पूरे मामले पर DGP होमगार्ड विजय कुमार मौर्य का कहना है कि मामले की जांच कर रहे DIG संतोष कुमार को जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आती है, इस पूरे मामले पर हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात DGI संतोष कुमार को मामले की जांच के आदेश दिए थे। आखिर क्या है पूरा मामला? महिला PCS अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि जिला कमांडेंट मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है, साथ ही इन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। आरोप को लेकर मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर की गई चैट भी सार्वजनिक की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे।